छठा अनुमान करते हैं प्रत्ययतः माने प्रामाण्यादित्यर्थ। क्या प्रामाण्यता है स्पष्ट और करते हैं प्रमात्वात् क्या अनुमान है तथा च सर्गाधिकालीन वेद जन्य ज्ञानम। सर्गाधिकालीन वेद जन्य जो ज्ञान वह ज्ञान कारण गुण जन्यम प्रमात्व घटित धर्मावच्छिन्न कार्यता प्रत्योगी कारण जन्यम। केवल कारण गुण जन्य ऐसा कहने से काम चलेगा नहीं। कारण कौन होता है हमेशा ज्ञान के लिए? आत्मा और मन। आत्मन संयोग से ज्ञान पैदा होता है ना। इसलिए ईश्वर का आत्मा में यह ज्ञान पैदा हुआ और वह ज्ञान भी पूर्व में उसके ज्ञान थे तभी उसे पैदा होगा। इसे कारण गुण जन्य ये जो ज्ञान कार्य पक्ष जो हमने लिया वेद जन्य ज्ञान कार्यात्मक ज्ञान उसके पीछे कारणात्मक ज्ञान है। वो ईश्वर में ही वेद का ज्ञान था। ईश्वर को जब पहले से वेद का ज्ञान ना हो तो सरकार के काम कौन आके उसको पढ़ाएगा? वेद कौन पढ़ाएगा? कहां से मिलेगा उसको वेद? कैसे उस वेद के आधार पर सृष्टि वगैरह निर्माण करेगा? सब कार्य होगा। इसे मानना पड़ेगा सब पहले से ही वो ज्ञान था जिस ज्ञान को उसने बाद में दूसरों को दिया है। इसे कहते हैं वो जो सरकार के काल वेद ज्ञान निश्चित कारण जन्य है। कारण जन्य का तात्पर्य स्वयं स्पष्ट कर दिया प्रमात्व घटित धर्मावच्छिन्न कार्यता प्रतियोगिता प्रतियोगी कारण जन्यम। कार्यता प्रतियोगी कारण जन्यम ये साध्य हो गया। क्यों? प्रमात्वात् प्रमा और जनाते प्रत्यक्षादि प्रमा के समान। क्योंकि कोई भी प्रमा होता है उसे प्रमात्व घटित धर्मावच्छिन्न होना जरूरी है उस कार्य को, तभी उसको प्रमा माना जाएगा। जैसे हमको घटक ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष से, मान लो आंख से आपको घटक ज्ञान हुआ, वह घटक ज्ञान है या नहीं? वह घटक ज्ञान कैसा है? यदि वो प्रमा है भ्रम नहीं है तो उस घटक ज्ञान का विशुद्ध घट जैसे घटकता वचन है उसी प्रकार का प्रमात्ता वचन भी माना जाएगा उसको। प्रमात्व से सहित प्रमात्व से घटित धर्म हो गया घटकता है धर्म, उससे अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कार्यता से निरूपित प्रतियोगी कारण जन्यम। हमेशा प्रतियोगी और अनियोगी कार्य कारण भाव में भी मानते हैं तो ये थी ना कि यस्या भाव प्रतियोगी अलग चीज है, यस्या भाव प्रतियोगी का ना वो अलग चीज है। जो रहता है वो प्रतियोगी है, जिसमें रहता है वो अनियोगी है। ये भी प्रतियोगी अनियोगी का अर्थ दिया जाता है न्याय दर्शन में। जैसे गुण क्या है? प्रतियोगी है, क्योंकि गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में, द्रव्य हो गया अनियोगी। इसलिए समवाय संबंध को पूछा ना लोगों ने, समवाय संबंध के स्वयं पदार्थ अलग, आपके मत में एक पदार्थ है ना सात पदार्थों में से, और गुण भी एक पदार्थ है द्रव्य भी एक पदार्थ है, और द्रव्य रूपी पदार्थ है गुण रूपी पदार्थ को बिठाने के लिए आपने समवाय संबंध माना, उसके लिए एक अलग पदार्थ मान लिया, वो भी एक अलग पदार्थ का। तो हम पूछेंगे जैसे गुण रूपी पदार्थ को द्रव्य में रहने के लिए आपने एक पदार्थ की कल्पना करी और वह पदार्थ फिर द्रव्य की समझ रहेगा, वह पदार्थ फिर किस तरह से रहेगा गुण में? समाज को पदार्थ संबंध मानो, कोई तो कोई पदार्थ कल्पना करना पड़ेगा ना। जैसे इन दोनों विषय पदार्थ कल्पना की और उसको समुद्र कहा आपने, इसी तरह से गुण और समवाय, समवाय और द्रव्य इनके बीच में ये कैसे बैठेंगे आपस में? कोई संबंध मानना पड़ेगा या कोई पदार्थ माननी पड़ेगी, और वो पदार्थ मान फिर पृथक वो पदार्थ की समझ रहेगा यहाँ, फिर कहना पड़ेगा वो पदार्थ को स्वरूपात्मक मानना पड़ेगा। तो हमने कहा द्रव्य है अनियोगी, गुण है प्रतियोगी, इन दोनों में समवाय पदार्थ है। प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहेगी, अनियोगी में अनियोगिता रहेगी, वह प्रतियोगिता और अनियोगिता तत्त्व अधिग्रहण स्वरूप ही है। इसलिए
समवाय संबंध प्रतियोगी में प्रतियोगिता संबंध से, अनियोगी में अनियोगिता संबंध से। चलो कैसा होगा, तो हम कहेंगे गुणनिष्ठ प्रतियोगिता निर्भित, गुणनिष्ठ प्रतियोगिता निर्भित समवाय संबंध अवच्छिन्न अनियोगितात्व नाम के संबंध से यह गुण द्रव्य में आएगा। द्रव्य गुण में कैसे जाएगा, तो द्रव्यनिष्ठ अनियोगिता निर्भित समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगितात्मक संबंध से यह द्रव्य चला जाएगा गुण में। इस तरह से विशेष तरीका मानना पड़ता है। वो यह प्रतियोगी शब्द पर है, अभाव का नहीं है कि ज्ञान है प्रतियोगी उखाड़ेगा आत्मा में अनियोगी में। इसी प्रकार ज्ञान में विषय रहेगा, विषय हो जाएगा प्रतियोगी, ज्ञान हो जाएगा अनियोगी। इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं यहाँ प्रतियोगी कारण जन्यम क्यों प्रमात्वात् प्रत्यक्षादि प्रमा के समान तत्र प्रत्यक्ष प्रमाया विशेषणवद विशेष सन्निकर्ष रूप गुण से। प्रत्यक्ष प्रमा में क्या करेंगे, विशेषण और वाला विशेष भूता सन्निकर्ष गुण को मान लेंगे। तो सन्निकर्ष अपने आप में संयोगात्मक होता है, गुण होता है। अनुमिति आत्मक प्रमाया, फिर अनुमिति प्रमाण में वह कौन सा गुण रहेगा, कद वहां पर तो साध्य पक्ष विशेषक साध्य व्याप्य वैशिष्ट ज्ञान रूप गुण से। जो अभी क्या परामर्श है ना, परामर्श भी है ज्ञान ही तो है। साध्य विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञान, साध्य विशिष्ट पक्ष धर्म का ज्ञान होना यही परामर्श होता है। इसलिए कहते हैं अनुमिति स्थल में क्या हम लेंगे, साध्यवत पक्ष विशेष को। पक्ष क्या है, विशेष है, कैसा पक्ष को विशेष बना रहे हैं, साध्यवान पक्ष को विशेष बना लिया। और ऐसे में साध्य व्यापी वैशिष्ट ज्ञान रूप गुण विद्यमान है। इसे उपमिति या तो प्रमाण है शक्य निष्ठ सादृश ज्ञान रूप गुण से। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण में वक्त्री यथार्थ ज्ञान रूप गुण से हेतुतया कारण गुणत्व अनुगमे प्रस्तुता। ये जो प्रमात्व का एक स्वरूप तो रहा ही नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमात्व का अलग रूप है, अनुमिति में अलग रूप है, उपमिति में अलग है, शब्द में अलग है, ये हेतु एक स्वरूप वाला रहा नहीं। तब ये बात सही है, अनुगमे अपनी तेषा प्रमात्व घट धर्मावच्छिन्न कारता प्रतियोगित्व अनुगमत न क्षति। इसलिए हमने वहां पर साध्य कृत्य में क्या रखा था, प्रमात्व घटित धर्मावच्छिन्न का, यह केवल प्रमात्व नहीं लिया, केवल प्रमात्व लूंगा वो एक स्वरूप का है नहीं, अनेक रूप है, अनुगम दोष हो जाएगा। क्यों विचार भी आ जाएगा ना, प्रत्यक्ष प्रमा में अनुमिति के प्रमात्व नहीं रहेगा, तार ज्ञान कारण नहीं बन पाएगा, कहीं विचार हो गया प्रमा तो है लेकिन प्रमात्व तो है नहीं, तो प्रमात्व रूपी कारण के बिना प्रमा कैसे पैदा हो गया। इसे कहेंगे एक ही को एक मत बनाओगे, प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति प्रत्यक्ष प्रमात्व, अनुमिति के प्रमा के अनुमित प्रमात्व कहोगे गौरव आ जाएगा, अनेक कार्य अनेक कारण दोष मानेंगे। इसलिए हमने क्या किया, अरे प्रमात्व घटित धर्मावचन कह दो, कि प्रत्यक्ष प्रमात्व में जो विशेष रूप को बताया गया सन्निकर्ष रूप विशेष निश्चय भाव सन्निकर्ष रूप प्रतियोगिता, या अनुमिति में परामर्श परामर्श रूप प्रतियोगिता, उपमिति में सादृश ज्ञान रूप प्रतियोगिता प्रतियोगिता है, और आपके शब्द बोध में वक्ता यथार्थ वक्तृत्व रूप यथार्थ वक्ता के द्वारा उक्त ज्ञान रूप जो प्रतियोगिता है, इन सभी में क्या एक चित्त सामान्य धर्म दिखता क्या प्रमात्व, भले तत्व धर्म अलग है लेकिन प्रमात्व तो सभी में समान है। इसे हम प्रमात्व घटित तत्व धर्म आवचन कह दो तो दोष खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने साध्य कोटि में बनाया था प्रमात्व घटित तदर्भावचन कारता प्रति कारण जन्यतम, ये हमने जो है साध्य बनाया था, ये कर दिया। अतः अनुगम गत दोष नहीं रहेगा। अब सातवां अनुमान उठाते हैं, श्रुत है वेद से भी हम सिद्ध कर देंगे ईश्वर है, यदि ईश्वर न हो तो वेद ही नहीं होता। जब हमें वेद मिला कहां से आ गया वेद, क्योंकि वेद ऋषियों को भी मिला तो कहां से मिला, उनको वो लोग समाधि में बैठे थे वहां भगवान ने उनको वेद दिया, ईश्वर ने दिया,
अतः भी हम ईश्वर को नित्य मानते हैं ना, प्रलय भी हो जाएगा तो ईश्वर तो वही रहेगा, उसको पूर्व कल्प का पूरा ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। वेदा तो समझा रहे देखिए, तथा च वेदा, वेद कैसा है, नहीं एकों के मत में पौरुषे है, ईश्वर रूपी पुरुष के द्वारा बनाया गया है वेद। हम लोगों के लिए जितनी जरूरत है उतनी वो देता, वेद तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विशाल, 1,00,000 मंत्र सही तरह कहा मिलता है, मुझसे 40,000 मिल रहे, बाकी 60,000 कहाँ गए। वो तो ब्राह्मण भाग ही मानते नहीं ना, अकेले मंत्र भाग तो मानते हैं, मंत्र भाग कम होता है, ब्राह्मण भाग ज्यादा होता है, 20,000 में ज्यादा ही मान रहे हैं। अरे किसी की श्वास से प्रकट हुआ तो वेद वहीं से प्रकट हुआ, ईश्वर से तो प्रकट हुआ, ईश्वर से तो निकला, हाँ श्वास विश्वास तो तात्पर्य अनायास प्रकट, ये नहीं कि नाक से निकल गिर गया वेद पुस्तक कहाँ से, वो अनायास प्राकट्य अपने ईश्वर को जो प्रयत्न है, विशेष प्रयत्न के बिना, जैसे हम लोग एक ग्रंथ लिखना है कितनी प्रयत्न मिलता, मत्था परिचय करना पड़ रहा, अब ईश्वर कोई मत्था परिचय नहीं किया, उसका सहज है वो तो सहज में बोल दिया, उसको श्वास में श्वास कर वेदने का आता आता है ना, उसमें आता ना वृदाने को प्रसाद में ये दस्य महतो महतो यो नहीं है प्रक्षित यदि तो दिग्वेद यजुर्वेद सामवेद सर्ववेद इत्यादि मंत्र आया है बृहदारण्यक का, वहाँ भाष्य स्पष्ट कहते हैं श्वास निकल, ये नहीं कि श्वास निकल गिर गया बाहर, हाँ यहाँ प्रयत्न मानते ना, नित्य प्रयत्न मानते हैं इसको, लेकिन प्रयत्न भी विशेष प्रयत्न नहीं है, हाँ प्रयत्न में भी अनायास प्रयत्न तो आयास युक्त प्रयत्न अलग चीज है, अनायास प्रयत्न अलग चीज है, प्रयत्न तो वहां भी है लेकिन वो अनायास है, इसलिए कहते नित्य ईश्वर ही अपने नित्य प्रयत्न को लेकर के अनायास इसको प्रकट किया, वही बनाया वेद। इसे पौरुषय, पौरुषय का मतलब क्या, सजात उच्चारण अनापेक्ष भ्रमादि शून्य पुरुष उच्चारण जन्य पौरुष, किसको कहते हैं पौरुष के, यही लक्षण है, मीमांसा में भी लक्षण दिया उसी को लिया उन्होंने, सजाति उच्चारण की अपेक्षा है जहां उसको वेद कहते हैं, मैंने गुरु ने उच्चारण किया उसी के देश से हम उच्चारण करें, उच्चारण का अपेक्ष उच्चारण चल रहा है ना, इसका नाम श्रुति वेद होता है, मीमांसा ऐसे मानते हैं इसलिए पौरुष है मानते हैं, ये कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर को किसने सुनाया, किसने सुनाया तो है नहीं, ईश्वर से ही शुरू हुआ है ये, इसे ईश्वर कृत मान लेते हैं, इसे सजाति उच्चारण की अपेक्षा नहीं था ईश्वर को, किसी गुरु का गुरु हमें सुनावे तब मैं उच्चारण करके आगे बताऊंगा ऐसा नहीं था, इसे कहते सजाति उच्चारण अनपेक्ष कर दिया अनपेक्ष, और भ्रमादि शून्य पुरुष है वो ईश्वर, ऐसे के द्वारा निर्मित है ग्रंथ पुरुष उच्चारण जन्य है वेद, क्यों वेदत्वात् आयुर्वेद आदि शास्त्र के समान कर, और वेदत्वंच अनुपलभ्यमान मूलांतरत्व सति महाजन प्रगृहित वाक्यत्वं मंत्रादि वारणाय सत्यंतम, वेद का लक्षण क्या है, इनके हिसाब से वेद किसे कहते हैं, कहते हैं जिसके मूल कभी हमें कहीं अन्यत्र उपलब्ध ना हो वो वेद है, जिसका हम स्मृति, इनको स्मृति क्यों कहते हैं, इनका मूल वेद में है, जो भी अन्य ग्रंथ बने हैं जितने भी ग्रंथ पुराण है कुछ भी है सभी ग्रंथों का मूल कहाँ है, वेद में मिल जाता है कुछ ना कुछ, इन वेद का मूल ढूंढो, वेद कहाँ है, किस मुंह से निकला, तो वेद का कोई मूल नहीं है, इसलिए इसका नाम वेद है, अनुपलभ्यमान मूलांतरत्व, जिसका मूलांतर उपलब्ध न होवे और साथ साथ महान पुरुषों के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा परिगृहित है जो, उसका नाम वेद है, परिगृहित जो वाक्य समूह वाक्य वाक्यत्व, इसमें केवल मंत्र भाग को लेते ना, इसलिए मंत्रालय वारण आया, मंत्रालयों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए सत्यंत का, कि मंत्रालय का भी मूल वेद में है, जो हम लोग बोलते गायत्री मंत्र वगैरह जो भी बोलेंगे ये सब मंत्र का है, वेद में इसको बोल नहीं आता, इस प्रकार से
सातवा अनुमान का विचार। आठवें अनुमान किंच, इतना ही नहीं, एक और हेतु वाक्यत्वात् हेतु से वेद पौरुषे, क्यों वाक्यत्वात् महाभारत आदि वाक्यवत् वेद वाक्यानि पौरुषेयानि वाक्यत्वात् असमदादि वाक्यवत्, ऐसा भी अनुमान कर सकते हो। वेद वाक्य वे पौरुषे हैं, कहीं वाक्य नहीं आते हम लोगों के वाक्य के समान। नौवा संख्या विशेषार्थ और अंतिम हेतु, संख्या विशेष को लेकर के भी हम अनुमान कर सकते ईश्वर की जन्म सिद्धि। कैसे? कहते परमाणु द्वित्व, संख्या विशेष कौन सी संख्या लेना, परमाणु द्वित्व। ये तो हम लोग को परमाणु ही दिखता है, हम लोग कैसे उसको जो है ये दो परमाणु इनको जोड़ूंगा ऐसे मुख बना लूंगा, ये तो हम लोगों की बस की बात तो है नहीं। जिसको परमाणु भी दिखाई दे वही ना उन दोनों को जोड़ेगा। पास में स्थित करना, उससे एक विशिष्ट कार्य स्थिति स्थापित कर देना, ये तो साधारण बात तो है नहीं। ये तो तोड़ने में लगे, तोड़ने के लिए इतने बड़ा घमंड खड़ा करते ही बेचारे हैं, परेशान है तोड़ने के लिए। और तो हम परमाणु को तोड़ रहे, परमाणु को तोड़ ही नहीं सकते, तो अटूटी वस्तु का नाम परमाणु है इनके यहाँ। लेकिन वो लोग जिसको तोड़ो परमाणु थोड़े नहीं आए कहूंगे हिसाब से। इसलिए इसमें मिथिला की जो यूनिवर्सिटी थी, संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां एक बहुत अच्छे पंडित हुए थे कोई झा, उन्होंने लिखा ऋषि अनुवाद अलग है। वैज्ञानिकों का अनुवाद से ऋषि अनुवाद में क्या अंतर है, बहुत सुंदर ढंग से एक बड़ा लेख लिखे थे बहुत पहले, उसके साथ फोटो कॉपी कहीं पड़ी होगी। तो ये अंतर समझते नहीं तो कहते लगा दार्शनिक जो जो हिंदुओं ने जो कहा था परमाणु उसको हमने तोड़ दिया, और जो चंद्रलोक जा ही नहीं सकते तो हम चंद्रलोक चढ़ गए। और जानते हैं हम चंद्रलोक किसको करें, चंद्रमा को थोड़ा चंद्रलोक करें, हमारे चंद्र तो सूर्य से भी ऊपर है, सूर्यलोक से ऊपर माना गया चंद्रलोक जो गणित है। आप जिसमें आएगा ब्रह्म सूत्र में लोगों का जो व्यवस्था जब देंगे, और चंद्रलोक का उतना ऊपर है, वहां कोई गया सूर्य से पार करके कहा तुम चंद्रलोक जाते हो, चंद्रमा पे चढ़े चंद्रलोक पे नहीं, चंद्रमा तो पृथ्वी एक टुकड़ा है, तो पृथ्वी का एक टुकड़ा अलग होकर पृथ्वी को घूम रहा है, इसीलिए वो चंद्रलोक नहीं है। जो दार्शनिकों के जो यहाँ शास्त्र में भी जो परमाणु है अनुरणियान महत्व मयान आत्मा को कह दिया, यदि अणु से भी सूक्ष्म कोई तत्व है वो आत्मा ही और कोई नहीं होता। तथा तो इसलिए कहते हैं ये जो है परमाणु को जो द्वित्व संख्या को लेना संख्या विशेष से अनुमान क्या बना, तथा तो जनुक परिमाणम, क्योंकि जनुक का जो परिमाण कैसे जन्म मानते हैं, परिमाण कैसे पैदा होते हैं, तीन प्रकार से परिमाण पैदा होते हैं, है या नहीं, तर्क संग्रह में आया ना, परिमाण जो है तीन प्रकार से पैदा होते, कौन से प्रकार होते, अवयवजन्य कारण जो संख्याजन्य और प्रचयजन्य। रुई है ना, अभी दबा दीजिए इतना हो गया परिमाण उसका, फैला दीजिए इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा रुई लेके चल सकते हो, यानी आधा किलो रुई को क्यों फैला कर पकड़ के बड़ा गठरी सा दिखाते हुए चल सकते हैं कि नहीं, आदमी दबा देंगे तो कितना हो जाता, इसको प्रचयजन्य परिमाण कहते हैं, फैलाना घटाना, रबर बैंड वगैरह फैला दी लंबी दिखती है छोड़ दिया तो छोटा सा दिखता है, प्रचयजन्य परिमाण। और संख्याजन्य परिमाण परमाणु में जुणुक जो बना, परमाणु में नहीं जुणुक जो बनता है, दो परमाणु भी इकट्ठा होने से जो जुणुक बना है उस जुणुक का परिमाण क्या है, दोनों को मिलाकर के जो होगा वो जुणुक का परिमाण होगा, और इसी का परिमाण कोई नाप नहीं सकता, अच्छा जुणुक का भी परिमाण कोई नाप नहीं सकता, इसे दो का जुड़ना ये दो संख्या ही जुणुक के परिमाण को पैदा संख्याजन्य परिमाण मानते, और बाकी लकड़ी वाला जोड़ते ही है अवयवजन्य परिमाण सब जानते ही। ये संख्याजन्य परिमाण है, संख्याजन्यम कर दिया, जुणुक का जो परिमाण कैसा है संख्याजन्य, कौन सी संख्या,
परमाणुगत जो चित्त संख्या से जन्य है, क्योंकि परिमाण प्रचया जन्यत्व सति जन्य परिमाणत्वात्। परिमाण जो है प्रचया जन्य होता हुआ जन्य परिमाण होने के नाते है, परिमाण जन्य परिमाण नहीं है ना। जैसे अवयव जन्य इसको होते परिमाण जन्य, अवयव जन्य एक ही चीज है, तीन प्रकार बताए ना, अवयव बने परिमाण जन्य, प्रचय जन्य, संख्या जन्य। दुणुक में क्या है, संख्या जन्य कहने के हम क्या कहना पड़ेगा, इन दोनों से जन्य नहीं सिद्ध करना पड़ेगा ना। जैसे दो कपाल है, इनके अपने अपने परिमाण है, दो कपालों को जोड़ा घड़े का परिमाण बन गया, इसको होते परिमाण जन्य परिमाण। एक परिमाण दो ऐसे थे जिनके अपने अपने परिमाण निश्चित था, उन दो परिमाण वालों से घड़े का परिमाण बन गया। इसलिए परिमाण जन्य परिमाण ऐसा दुणुक में नहीं है, और रूई आदि के समान प्रचय जन्य भी नहीं है। इसलिए क्रिया कहा परिमाण और प्रचय इन दोनों से अजन्य होते हुए जन्य परिमाण होने के नाते इसको संख्या जन्य मानना ही पड़ेगा, कोई और चौथा तरीका है नहीं, तीन ही है। दो को निषेध किया तो क्या होगा, तीसरा आ जाएगा। जन्य परिमाणत्वात् तुल्य परिमाण कपाल द्वयारब्ध घट परिमाण, जैसे तुल्य परिमाण वाले कपाल द्वय है उनसे आरब्ध घट परिमाण के समान परिमाणवध बना उसको, प्रकृष्ट ताज्य कपाल त्रय आरब्ध घट परिमाणवत, अथवा उससे भी प्रकृष्ट मान लो, दो है ना, एक से दूसरा बड़ा हो गया, पंच में रहेगा तो भी घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि दो कपाल से बना हुआ घड़े की अपेक्षा से तीन कपाल से बना हुआ घड़ा क्या होता है, बड़ा होता कि नहीं होता है। दो कपाल से आपने घड़ा बनाया उसके अपेक्षा से तीन कपालों से बना लो घड़ा तो क्या हो जाएगा, वो इससे वो बड़ा होगा ही निश्चित रूप से। वहां पर क्या है, कपाल की संख्या के कारण से घड़ा बड़ा होते जा रहा है, इसे वहां भी संख्या जन्य है ना परिमाण। दो कपाल रूपी संख्या जन्य जो घट का परिमाण है उसकी अपेक्षा आपसे, इसलिए पंचमी भी ले सकते हैं, उसकी अपेक्षा आपसे तीन कपाल से जन्य जो परिमाण वाला जो घड़ा होगा उसका परिमाण क्या होगा, अवश्य बड़ा होगा। इसी प्रकार से दो परमाणु से जन्य जो भी परिमाण होगा वो परमाणु के परिमाण की अपेक्षा से जरूर बड़ा होगा, परमाणु का अपना परिमाण की अपेक्षा से बड़ा होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से बड़ा होगा, यही उसकी उत्कृष्टता लाभ है। ये जो है आपके परिमाण का एक स्वभाव है, वो अपने से उत्कृष्ट परिमाण को ही पैदा करते हैं, निकृष्ट को नहीं पैदा कर सकते, बताएंगे देखिए आगे।